आदरणीय हमारे बुजुर्ग श्रोतागण नौजवान दोस्तों, आपके सामने नौरत्न का किस्सा पेश किया जा रहा है। मुरादाबाद संभल के राजा देवदत्त के यहाँ तीन रानियां हुआ करती थी। जब किसी भी रानी के संतान उत्पन्न नहीं हुई तो देवदत्त राजा यज्ञ अश्वमेध कराते हैं। उनमें दो वेदाचारी, तीसरी रानी फूल कवार की सेवा पानी से प्रसन्न होकर बेटा होने का आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। भगवान फूल कवार को वह भी दिन दिखाने को देते हैं और वे अपने 9 महीने फिर कैसे व्यतीत करती है। बेटे कवर दान मिलावा रानी फुली नहीं समाई, ओए शुक्ल पक्ष के चंद्र मजू दिन दिन होगी कला सेवाई। बेटे कवर दान मिलावा रानी फुली नहीं समाई, शुक्ल पक्ष के चंद्र मजू दिन दिन होगी कला सेवाई। बेटे कवर मौत लग गया रानी ने सुवा सुपारी खान लगी, गंगा जल का लोटा लेते शिव जी सिंचन जान लगी। दूजा मास लग गया रानी ने मड़ मड़ मठना नहान लगी, 24 घंटे हर हर करती हरि कीर्तन गान लगी। वो तीजा मास लग गया रानी ने, तीजा मास लग गया रानी ने, ओए लत्ते धोवे करे सफाई, शुक्ल पक्ष के चंद्र माते फिर हो जा कला। और तो थामस लग गया रानी ने झूठ बोलना छोड़ दिया, सबका नर्जा धरा काड़ दे घाट तोलना छोड़ दिया। पांचवा मास लग गया रानी ने बाहर डोलना छोड़ दिया, कद बेटे पे शाही आजा ओए घूंघट खोलना छोड़ दिया। ओए छठा मास लग गया रानी ने, छठा मास लग गया रानी ने, ओए तेरे पछाई सरदाई, शुक्ल पक्ष के चंद्र मासे फिर दिन हो जा कला सेवाई। मास लग गया रानी ने शहर घुमाई छोड़ दई, साधेपण में रहन लाग गई सुरमा सहाई छोड़ दई। आठवा मास लग गया रानी ने नमक खटाई छोड़ दई, सुख
के भोजन खान लागी ओ सभी मिठाई छोड़ दे ओ नो मामा सा लगा रानी ने ओ नो मामा लगा रानी ने ओ रगबर में सुर दिलाई शुक्र पक्ष के चंद्र मातेरी दिन दिन भोज कला सेवाई दिन बाकी रह गए सो सो गऊ जी मावे बाहर दूध में भिके दाल खुआवे कद हो बेड़ा पर ले पार सारी पर दम आनंद हो रहा नगरी के मजे जयकार रानी के मन में आमन लगी इब बेटा हो नो रतन कमार ओए मंगेरा में पहलेड़ा बेटा मंगेरा पहलेड़ा बेटा ओए खोस बरबर का भाई शुक्ल पक्ष के चंद्र मधु दिन दिन हो गी कला सेवाई ओए बेटे का वरदान मिलावा रानी फुली नहीं दिन दिन हो कला सवाई बेटे कवर दान मिलावा रानी फुली नहीं समाई शुक्र पक्ष के चंद्र मधु दिन दिन हो कला सवाई। उधर फूल कमार अपने बेटे की खुशी में अपने यहाँ पर दिन दुखियों को भोजन कराती रहती है। दूसरी तरफ फूल कमार को देख के उसकी बड़ी शोक। योगिता अपनी बहन छोटी सुजीता से बोलती है, बहन अगर इसके लड़का होगा तो हमको इसकी दासी बन के रहना होगा। तो बड़ी रानी अपनी बहन को क्या बोलती है, ओ महारानी के लड़का हो गया रे रे माटी हो जागी ऐसा बहाना करो भूप की तबीयत खाटी हो जागी महारानी के लड़का हो जा रे रे माटी हो जागी करके रानी का मन फेरियो हाय लूटली हाय लूटली न्यू उनसे सुते टेरियो तोता हो गया कह के रात बखेरियो तोता हो जा कह के रात बखे देखेगी भूप सुनेगा
अपनी छोटी बहन को बोलती है, ए बहन मैं दाई को रिश्वत दे दूंगी और उसके बदले में एक तोता मंगा लूंगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, देखती हूँ क्या क्या रंग दिखाती हूँ और देखती रहना, क्या बोली। देते सब ढाला का काम करो, एक बार की हो बदनामी फिर सारी उम्र आराम करो, पक्षे में बंदे करके लड़का हो खिस्सा खत्म तमाम करो, पक्षे में बंदे करके लड़का खिस्सा खत्म तमाम करो, महारानी के लड़का हो जा रे रे माँ की हो जागी, असबहना करो भूख की तबीयत खाती हो जागी, असबहना करो भूख की तबीयत खाती हो भीतर साबुन तेल से मड़ मड़ के नहाया करे, दुरानी जिठानी ननंद और फूफस इसे पोते ले लाया करे, पंटा टोकनी सर पे धर के जलवा सिंचन जाया करे, पंटा टोकनी सर पे धर के जलवा सिंचन जाया करे, जब चाल लगी सोख लिकड़ के ओ को, जब चाल लगी सोख लिकड़ के ओ गातु जाती हो जागी, ऐसा बहाना करो भूख की तबीयत खाती हो जागी, चाल पड़े ढंग देख के डरे रे से, ओ सतगुरुओ की छाप काट के भोगा पड़ा धरे रे से, ओ लक्ष्मी चंतो लक्ष्मी चंथा सहन लूंगा रे फिर से, लक्ष्मी चंतो लक्ष्मी चंथा सहन लूंगा रे फिर से, ओ बेदा के बिसे राए तके हुए मा
बहाना करो वो बेटी, तबीयत खाटी हो जागी। मारन के लड़का हो जा रे रे माटी हो जागी। ऐसा बहाना करो वो बेटी, तबीयत खाटी हो जागी। ऐसा बहाना करो वो बेटी, तबीयत खाटी हो। फूल कवार अपने 9 महीने पूरे करती हुई खुशी खुशी में बेहोश हो जाती है। उधर जब नवरत्न पैदा होता है तो बड़ी रानी योगिता अपनी बहन के साथ में मिलके दाई को एक बक्से में नवरत्न को लिटा के और दे देती है। साथ में योगिता एक तोते को लेके दाई के साथ और उसके साथ में फूल कमार के साथ में लिटा देती है और महल में यह खुशी मचा देती है कि फूल कमार के नवरत्न पैदा होगा। और इस खुशी में छोटी रानी बोलती है, बहन आज इस खुशी में हम भी शामिल होंगे। तो बड़ी रानी के साथ में दोनों बहन दरबार में कैसे चलती है और कैसे खुशी में दरबार को क्या कहती है। ओए फूल में देख के लड़का हो गया, बाजी आई सुन, नवरत्न के दर्शन कर ले गोदी लाई सुन। फूल में देख लड़का हो जा बाजी आई सुन, नवरत्न के दर्शन कर ले गोदी लाई सुन। ओए जीव लड़का आ पड़ा जमी पे, मुंह पे पल्ला घेर लिया। जीव लड़का आ पड़ा जमी पे, मुंह पे पल्ला घेर लिया। अगड़ पड़ोसन देखण आई आके अड्डा घेर लिया। अगड़ पड़ोसन जाती है दरबार में और बोलते है, ए राजा, ए मेरे सर के ताज, आज मैं देख नौ रत्न की खुशी में दाई बन के आ गई और तू अपने 9 महीने से जो इंतजार करा था उस बेटे के दर्शन कर ले। क्या कहा दूसरी बात में भला? ओए महारानी ना, ओए महारानी ना, धेले की मैं सो सो बजी दली। महारानी ना, धेले की मैं सो सो बजी दली। ओए किब के काला सरप जनेगी के तोते में सदली। किब के काला सरप जनेगी तोते में सदली। महारानी के बदली आज, हाँ महारानी के बदली आज मैं बड़ी दाई सूं।
दर्शन कर ले बुद्धि जाई सो फूलम देखे लड़का होगा बीत गए कंचे बोरा छे पूरे बीसे साल बीत गए कंचे बोरा छे घर भी तेरा तीन हुए पिया कुण बेखोरा छे घर भी तेरा तीन हुए पिया फूलम देन मोरा खे हाँ फूलम देन मोरा खे इस रंज ने खाई सो नौरातन के दर्शन कर ले फूलम देख लड़का हो जा बाजी लक्ष्मी चंदन की आड़े ने वेद शास्त्र में से क्या बात कही कि अपना मारे और छा में गिरे कैसे मैं तेरी आज दाई बनके इस बेटे को लेकर आई जो आज तेरी रानी ने तोता जन्म दिया आगे चल के देखना ये एक काला सांप भी जन्मेगी और इस कुकर्म को ढस जाएगा क्या कहा छोटी बात में भला लक्ष्मी चंद भी ओए लक्ष्मी चंद भी मेहर करे सदा अपने प्रसन्न की लक्ष्मी चंद भी मेहर करे सदा अपने प्रसन्न की ओए गोपी देखे बाट पिया मधु राम कृष्ण की गोपी देखे बाट पिया मधु राम कृष्ण की ओए मंगे राम तेरे दर्शन की मंगे राम तेरे दर्शन की ओए घनी तिसाई तू नौरातन के दर्शन कर ले जाई सो फूलम देखे लड़का हो गया बाजी आई सो नौरातन के दर्शन कर ले जाई सो देवदत्त राजा के दरबार में जब बड़ी रानी कपड़े में से तोता निकाल करके दिखा देती है तो देवदत्त राजा चक्कर खा करके दरबार में गिर जाते हैं और सभी दरबार वासी देवदत्त राजा की धीरज बना देते हैं मगर देवदत्त राजा हाय हाय करके चिल्लाता है और कहता है ए दरबारियों आज तक मैं 60 साल तक आपको अपनी प्रजा को एक संतान की तरह पालता आया हूं मेरे क्रम में क्या आज एक लड़के की जगह तोता ही देखने को मिलता या तो बेमाता हमारे साथ में लेखनी गलत चला गई या दो वेदाचारी यज्ञ में आए उन्होंने ज्योतिषी विद्या गलत सोधी या हमारी बड़ी रानी जो योगिता है ये गलत है ये तो मैं भी जानता हूं कि इस दरबार में जो ये कपड़े में से तोता निकाल के दिखाया है ये मेरी रानी फूल कमार के नहीं हो सकता क्योंकि आदम देह से कभी पक्षी जन्म नहीं लेता मेरी रानी फूल कमार आज तक 24 घंटे
भगवान की तपस्या में लीन थी, क्या उसको एक तोता भगवान देता। नौ महीने उंगलियों पर गिनता गिनता आज खुशी के दिन मुझे ऐसा गम, ऐसे जिल्लत की जिंदगी दरबार में देखने को मिली कि ऐसा जी करता है कहीं गला घोट के मर जाऊं। उधर घाव पर नमक छिड़कने के लिए योगिता रानी तैयार थी। उसने कहा, ए राजन, हम 20 साल हो गए आपकी पूजा करते मगर आपने हमारी कदर नहीं की। आपने सिर्फ फूल कंवर को प्यार किया है और फूल कंवर ही आपको ये तोता जन्मा। अगर हमारी कोख से आज तोता जन्म जाता, हमारी कोख से अगर तोता हो जाता तो आप चौराहे में गड़वा देते। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारी आज कोख खाली है और तेरी प्यारी फूल कंवर के कोख खुल करके भी तोता होया। तो क्या कहा, और अब सोनोटोन का पैगाम आप सभी श्रोताओं के नाम अनेक भाषाओं में अपने मन पसंद गीत, लोकगीत, भजन, कव्वालियों और हंसने गुदगुदाने वाले सोनोटोन प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स ही खरीदिए। नौ महीने से आसला घेरी कर्मा की गत उलटी फिरगी और ब्राह्मणा के वेद झूठे या बेमाता चला की करगी। नौ महीने से आला गई है कर्मा की गत उलटी फिरगी और ब्राह्मणा के वेद झूठे बेमाता चला की करगी। नौ महीने कर्मा की बदल के फिर गे ब्राह्मणा के वेद झूठे माता चला। कढ़ाया खून असुरों कैसी व्रति करके सिर का बढ़ाया खून अंबे के कल से भरवा के शिवजी पे चढ़ाया खून शिवजी पे ठाठ जनक के बाग में गढ़ाया। वह जनक की बेटी बहू राम की, जनक की बेटी बहू राम की है रावण के घर का पर भरगी। ब्राह्मणा के वेद झूठे बे माता चला की करगी। कर्मा की बदल के फिर ब्राह्मणा के वेद झूठे बे माता चला की करगी। छोटी
लड़के एक लड़की जो सिंह राजा कसाई, और ऐसे करो वंश चलेगा, ऐसे करो वंश चलेगा, काट सहार सिल तीर की मेरा के वेद झूठे बे माता चला की और नौ महीने से आसरा घेरी है कर्मा की गदयुल दी मेरा के वेद झूठे बे माता चला की बोल बोल के जब कुसा पाड़ी दे धरती, एक कुसा के लड़का हो गया देखन लगे भूख तो गर्दी, हे ईश्वर तेरी लीला नारी अग्नि मैं तो लड़े की करती, वे दो पत की बेटी बहु अर्जुन की अर्जुन की होए गैल हिमालय मैं मर गई, होए ब्राह्मण के वेद झूठे बे माता चला की कही, नौ महीने से आस लागिया कर्मा की कतयोल देखी, ब्राह्मण के वेद झूठे बे माता चला की तरानी, तेरी बात सुन सुन के मेरे बदन में तेजाब का काम करती है, तू फूलमदाय का नाम मत ले और मेरी आंखों के सामने से दरबार से चली जा, नहीं तो तेरी तलवार से तीन टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा, क्या कहा चौथी बात में भला। रानी के काले दुनिया हाथ मले, दुनिया की बात ताने सुन सुन मेरी दही का खून लड़े, ओए रात दिन का रोना हो जा आंसू ऊपर तू करे, फूलम देखा जिकर चलते तेरे ऊपर ना चले, ओए झूठ साच ने मालक जाने, झूठ साच ने मालक जाने, ओए मांगेराम के पत्ती जरगी ब्राह्मण के वेद झूठे बे माता चला की कही, कर्मा की गत उलटी फिर की ब्राह्मण के वेद झूठे बे माता चला की कही। देवदत्त राजा अपने वजीर से कह देते हैं, ए वजीर मैं फूल कंवर की शकल देखना भी नहीं चाहता, जाओ उसको देश निकाला कर दो, मेरी आज दरबार में उसने इज्जत किरकिरी कर दी है, उधर फूल कंवर देश निकाले में चल देती है, उधर दोनों बहन योगिता सुजिता घी के चिराग जलाती हैं, देवदत्त राजा की रानी फूल कंवर रोती गिरती पड़ती एक बियाबान में ऋषि के पास पहुंचती है, ऋषि के पास में जब पहुंची तो चरणों के हाथ लगा तो ऋषि नेत्रहीन होते हुए कहने लगे, ए लड़की मैं नेत्रहीन होते हुए भी आत्मा से देख रहा हूं, तू किसी राजा की साध रानी है, तू यहां पर कैसे आ गई, या शिव जी की पार्वती है, और रोग क्या कहने लगे। हे कौन कड़े की रहने वाली,
किसी से घर गाम तेरा हे किसकी जाई किसके ब्याही कैसे बेटी नाम तेरा कौन कड़े की रहने आई कैसे बेटी नाम चमके लगे ए रूप खिला महता के बालम तेरा चोर जार है या जुए बाबे सरानी के अनरागोरी लड़के का जीजो आगे ओढ़े खराबी है आगे ओढ़ खराबी एक घर से निकल के आगी है बेटी घर से निकल के आगी बेटी सर चढ़े घाई ले जाम तेरा किसकी जाई किसके जाई कैसे बेटी नाम तेरा कौन करे के रहने वाली कैसे है घर नाम तेरा किसी जाई किसके जाई किसे बेटी नाम तेरा परियोजन के मोहन खतर या माया चली पिंघरे के देखे शिव जी की शक्ति से जो आई नीर साधरे के इंदर की तू फूरमैन का इस ऋषि न ले जा छड़के हे ऋषि न ले जा छड़के हे ब्रह्मा विष्णु शिव जी बिना ब्रह्मा विष्णु शिव जी बिना हे पूर्ण करे इंतजाम तेरा किसी जाए किसके जाए कैसे बेटी नाम तेरा पूर्ण करे के रहने आई कैसे है घर काम तेरा किसकी जाए किसके जाए कैसे बेटी नाम तेरा से उतरी के रानी से धर्म राज की के ब्रह्मा की सपुतरी हे दुख विपदा में दुर्बल बाणा शान शक्र में सुतरी हे पतली कमर लरजती चले किसी रेशम सी है गुथरी रेशम सी के चंद
चंद्रवती के पास लागेगा, चंद्रवती के पास लागेगा। ओए चा गंगा का धाम तेरा, किसकी जाय किसके जाई, कैसे बेटे नाम तेरा, कौन करे ते रहने आए, किसे है घर काम तेरा, ओए किसकी जाय किसके जाई, कैसे बेटे नाम तेरा। सृष्टि के रचने आरी, हिमाचल की पार्वती तेरी सबते अदा निराली, हे धन धन सर माता ने जिन लाड़ लड़ा के पाई, एक राजा तू ब्याही जाती जो लगते पर्दे जारी है, लड़के पड़े जानकी के मचाली जाइए, जानकी के मचाली जाइए, लक्ष्मी रहे गुलाम तेरा, किसकी जाय किसके जाही, कैसे बेटी नाम तेरा, कौन करे तू रहने वाली, कैसे है घर काम तेरा, किसकी जाय किसके जाय, कैसे बेटे नाम तेरा। फूल कला अपनी सारी विपता ऋषि के सामने रख देती है। ऋषि जी ने जब बात सारी सुनी तो कहने लगे, ए बेटी तेरे लड़का ही हुआ है, तेरे तोता पैदा नहीं हुआ है, ओ तुझे तेरा लड़का मिल जाएगा, क्योंकि तेरे लड़के के मस्तक पर पद्म का चिन्ह है, वो चिन्ह देख के तू पहचान लेना, और तुम्हारा लड़का नौरत्न ही मिलेगा, तुम 3 दिन के बाद में कहीं घूमने जाना, दरिया पर या वन में तुम्हें जरूर अवश्य तुम्हारा मुन्ना मिलेगा। 3 दिन के बाद में ऋषि की कही हुई वाणी के अनुसार जब फूल कमार नदी के ऊपर पहुंचती है तो देखती है कि एक संदूक बहता हुआ आता है, संदूक को खोल करके देखती है एक छोटा सा बच्चा मुंह में अंगूठा दिए चूस रहा है और मस्तक पर पद्म का चिन्ह, दूधी में से दूध निकलता है और पहचान जाती है कि तेरा नौरतन यही है। तो रोकर क्या कहती है फूल कमार, सिंभल में होता पिता तेरे, जे बेतर वे चाटे, और करोड़ो रुपये खर्च करे फिर सोमन सोन बाटे, जे सिंबल में होता पिता तेरे, जे बेतर वे चाटे, पाप कर लिए देखे दुनिया सारी, 3 दिन ते तू न्यारा रे, 3 दिन ते मैं न्यारी, 9 महीने लो रहा पेट में छोटी थी महतारी, 9 महीने
Yeah.
कैसी शक्ल है तेरे पिता की, ओ साही तेरा चेहरा दे। मारे नाम का मारी सोच ने खोद दिया यू जेरा से, उड़े होती ते नू कहती ले यू बेटा ही तेरा है से। जाता है और ऋषि जी के पास रहते रहते जब 13-14 वर्ष बीत जाते हैं तो एक दिन बंबई के सेठ मणिलाल अपने जहाज के बारे में ऋषि जी से बातें करने आते हैं। सेठ मणिलाल का जहाज माल से भरा हुआ खड़ा था, मगर वह बलि मांगने की वजह से नहीं चल रहा था। सेठ को बता देते हैं कि ए सेठ जी, ये ऋषि की वाणी है, आपका माल दुगनी कीमत में बिकेगा और जहाज चलता हो जाएगा। सेठ इसी खुशी में उस लड़के को ले जाता है और जहाज में पहुंचते ही अपना कपट रूपी जाल सामने बिछा देता है और लड़के से कहता है कि मेरा जहाज बलि मांगता है, इसलिए तू अब आखिरी समय भगवान को याद कर ले। तो लड़का भगवान की जब स्तुति करता है तो जहाज चलने लगता है। तो सेठ उसको शुभ समझ कर अपने पास रख लेता है और जहाज चीन देश में पहुंच जाता है। तो नौरतन को मणिलाल सेठ एक बाग में पानी लेने के लिए भेज देते हैं। वहां पर चीन के राजा धर्म सिंह की लड़की अपनी सहेलियों के साथ जब नौरतन से मिलती है तब एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। तो मेरे प्रेमियों, यहाँ पर आज नौरतन का पहला भाग समाप्त होता है।